में 1% से लेकर 4%, 1 से 4% लोगों को ये बीमारी देखी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं गाउट के बारे में। गाउट, जिसे हमारी कॉमन भाषा में गठिया कहा जाता है और ज्यादातर लोग इसको हाई यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उसे गाउट कहा जाता है। दोस्तों, आज आपके साथ मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ गाउट के बारे में। गाउट किस तरह से होता है, गाउट होने के क्या क्या कारण है, गाउट के रोगियों में क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, और आयुर्वेद में गाउट के, यानी कि हाई यूरिक एसिड के, जिसको आयुर्वेद में वात रक्त कहा जाता है, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत गुजरात से, और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेद में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था गाउट के बारे में। हिंदुस्तान में 1 से लेकर 4% लोगों को ये रोग होते हुए देखा जाता है, और गाउट में जनरली ये एक रोग का समूह है जो किडनी से रिलेटेड है, जिसमें हमारी किडनी की एक्सक्रेशन के रिलेटेड ये रोग है। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि पुरुषों में 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों में ये रोग ज्यादा होते हुए देखा जाता है, और महिलाओं में मेनोपोज की उम्र के बाद ये रोग होते हुए देखा जाता है। यूरिक एसिड में ज्यादातर ऐसा होता है कि जो एक्सक्रीशन है डिक्रीज हो जाता है, बॉडी में से जो फ्लूड का एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाता है। 75% केसेस में यूरिक एसिड बढ़ने का कारण यूरिन कम होना, यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम होना ये देखा जाता है, और 25% केसेस में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ऐसा देखा जाता है। कुछ ऐसे केस है जिसमें हाइपर यूरिसेमिया देखा जाता है, उसमें क्या होता है कि प्यूरिन नाम का जो प्रोटीन है उसका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। हमारे बॉडी में जो हम फूड लेते हैं उसमें से जो प्यूरिन नाम का प्रोटीन बनता है, उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से बॉडी में प्यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, और उसकी वजह से यूरिन ब्लड में जो है वो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। 10% लोग ऐसे हैं कि जो यूरिक एसिड का ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और 90% लोग ऐसे हैं कि जो यूरिक एसिड का बॉडी में से एक्सक्रीशन नहीं कर सकते, बाहर उसको नहीं निकाल सकते, उसकी वजह से यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो बॉडी में ज्यादा जमा होते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि यूरिक एसिड हमारे ब्लड में, यानी कि वात रक्त नाम का रोग जो है, इसको यूरिक एसिड होने के क्या क्या कारण है। यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे पहला कारण है प्यूरिन रिच फूड लाइक नॉनवेज, सी फूड, अल्कोहल, हाई शुगर या कोल्ड ड्रिंक्स है, या बहुत ज्यादा शुगर वाले ड्रिंक्स है, उसको लेने से यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। दूसरा रीजन है हेरिडिटी। कुछ लोगों के अनुवंशिक होता है, माता पिता को ये रोग होता है तो उनके बच्चों में भी हाई यूरिक एसिड की समस्या रहती है, यानी कि गाउट का रोग होते हुए देखा जाता है। कुछ ऐसे डिसीज हैं जैसे कि एब्डोमिनल ओबेसिटी। कुछ लोगों का पेट बहुत बड़ा होता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, और एब्डोमिनल ओबेसिटी वाले लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस नॉर्मल लोगों से ज्यादा होते हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसको आयुर्वेद में धात्वाग्नि मांध्य कहा जाता है, कि जिनकी जठराग्नि और जठराग्नि की वजह से धात्वाग्नि जो है वो मंद हो जाती है ड्यू टू लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स, धात्वाग्नि मांध्य यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसकी वजह से कुछ और डिसीज अगर हम देखने जाएं तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज या डायबिटीज मलाइटस, रीनल फेलर होता है, सोराइसिस, हीमोलाइटिक एनीमिया होता है जिन लोगों को, फिर लेड पॉइजनिंग की वजह से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती हुई देखी जाती है। उसके अलावा कुछ दवाइयों का सेवन, जैसे कि डायूरेटिक, सूजन उतारने के लिए या यूरिन को ज्यादा पास करने की जो दवाइयां होती है उसको डायूरेटिक्स कहा जाता है। डायूरेटिक मेडिसिन का लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से, जैसे कि एस्पिरिन जैसी दवाइयों का लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती हुई देखी जाती है। उसके बाद कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है, उसका लॉन्ग टर्म सेवन करने की वजह से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती हुई देखी जाती है। अब दोस्तों, हम देखते हैं जिन लोगों को गाउट डिसीज होता है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, उन लोगों को क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। गाउट के पेशेंट में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस, ग्रेट टो इन्फ्लेमेशन देखा जाता है। जिनको एक्यूट अटैक आता है गाउट का, उनका जो ग्रेट टो है यानी कि जो पैर का अंगूठा है
उसमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन और रेडनेस देखी जाती है। उसको अगर हम हमारे हाथ से अगर ये पार्ट से अगर हम टच करेंगे उस टो को तो वो गरम गरम महसूस होगा और लाल हो जाएगा। ये उसका एक एक्यूट अटैक आता है, उसमें बहुत असहनीय दर्द होता है, पेन जो है वो अनबेरेबल होता है, बहुत ज्यादा पेन का एहसास होता है, लाल हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और ये उसका एक लक्षण देखा जाता है। उसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ता है तो हील में पेन होता है यानी कि पैरों की जो एड़िया है उसमें दर्द होना शुरू होता है, एंकल जॉइंट में पेन होता है और स्मॉल जॉइंट्स जैसे कि हाथ और पैरों की जो उंगलियां है उसके स्मॉल जॉइंट्स में पेन होते हुए देखा जाता है। अफेक्टेड पार्ट जो होता है वो रेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और सीवियर मतलब असहनीय वेदना उसमें होती है। और क्रोनिक कंडीशन जब यूरिक एसिड बॉडी में बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहता है तो यूरिक एसिड के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं वो ये जो जॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे जॉइंट्स उसमें जमा होने की वजह से जॉइंट्स की जो मूवमेंट है ये इमोबाइल हो जाती है, ऐसे स्टिफ हो जाती है और जॉइंट्स में परमानेंट डिफॉर्मिटी यानी कि हमेशा के लिए वो जॉइंट जो है वो काम करना बंद कर देता है, इस लेवल तक भी पेशेंट जा सकता है। वात रक्त के रोगियों के लिए आयुर्वेद में क्या क्या निदान और क्या आयुर्वेद में क्या क्या औषधियां अवेलेबल है और क्या आयुर्वेद से ये रोग ठीक हो सकता है, आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी औषधियां हैं कि जिसका सेवन करने से आप अपने यूरिक एसिड को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को गाउट हुआ है, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उन लोगों को रोज रात को सोते वक्त एरंडी का तेल जिसको कैस्टर ऑयल कहते हैं उसको 10-15 ml लेना है और उसको वर्म मिल्क के साथ मिक्स करके एक कप गर्म दूध के साथ 10-15 ml कैस्टर ऑयल यानी कि एरंडी के तेल को मिक्स करके रात को सोते वक्त उसका सेवन करने से यूरिक एसिड में आपको बहुत अच्छे फायदा और बहुत अच्छा लाभ होते हुए देखा जाता है। उसके अलावा अगर जो जॉइंट जो है क्योंकि ये ज्यादातर स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, हमारे पैर और हाथों के स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जिन जॉइंट्स में आपको ज्यादा पेन है वहां पे आपको पिंड तेल यानी कि एक आयुर्वेदिक ऑयल आता है पिंड तेल, ये पिंड तेल का आपको थोड़ा सा गर्म करके उसका मसाज करने से आपको पेन में काफी हद तक फायदा मिलेगा। उसके अलावा जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उन लोगों को एक ग्लास गर्म पानी में 2-3 ग्राम सौंठ मिक्स करके उसको एक एक घूंट करके सेवन करने से, सौंठ वाला पानी का सेवन करने से जॉइंट में इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी और पेन भी कम हो जाएगा। सबसे बेहतरीन औषधि अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ रहा है और जिनको गाउटी आर्थराइटिस या गाउट हो चुका है उन लोगों को गिलोय का नाम आज आप लोगों ने सबने सुना ही होगा। गिलोय एक बहुत ही फेमस औषधि है जिसको लैटिन में टिनोस्फोरा कोडिफोलिया कहा जाता है। गिलोय यूरिक एसिड की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है। गिलोय के काढ़े का रेगुलर सेवन करने से यूरिक एसिड के पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमें क्या करना है, 15-20 ग्राम गिलोय लेना है, उसको 2 ग्लास यानी कि 400 ml पानी में उबालना है, उसको 100 ml कर देना है, 300 ml पानी को उबाल देना है, जब ये 100 ml बचे उसको छान के उसमें 1-2 ग्राम मैक्सिमम 3 ग्राम तक आपको चोप चीनी का पाउडर मिक्स करके सुबह खाली पेट पीना है। ये गिलोय के काढ़े का चोप चीनी के साथ सेवन करने से यूरिक एसिड की समस्या परमानेंट रूप से सॉल्व हो जाती है। आप सिर्फ गिलोय के पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं, गिलोय के चूर्ण को 3-6 ग्राम सुबह और शाम खाना खाने के बाद 1 ग्लास गर्म गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से यूरिक एसिड की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जिस जगह पे आपको यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से रेडनेस आई है और गर्म हो चुका है, वो पार्ट लाल हो चुका है और उसमें बहुत पीड़ा हो रही है, आप उसके ऊपर मसूर की दाल का पाउडर करके उसका लेप कर सकते हैं और बर्फ का सेक कर सकते हैं। ये नुस्खा आजमाया हुआ है और ऐसा करने से आपको तुरंत राहत मिलेगी। तो ये मैंने आपको आयुर्वेद के कुछ सॉल्यूशंस बताए, ये आयुर्वेद की आपको औषधियां बताई कि जो यूरिक एसिड को ठीक करने में जबरदस्त रोल प्ले करती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि जो लोग यूरिक एसिड से पीड़ित हैं, जो लोग गाउट से पीड़ित हैं, उन लोगों को क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। हाई यूरिक एसिड के पेशेंट्स जो गाउट से पीड़ित हैं, उन लोगों को क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए, वो सबसे पहले देख लेते हैं। जिन लोगों को गाउट है उनको प्यूरिन रिच फूड नहीं खाना है यानी कि हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है, बियर, अल्कोहल और ऑर्गन मीट जैसे कि लीवर, किडनी, ऐसे मीट जो है, फिश, फिर उसके अलावा नॉर्मल मीट है, स्पिनक यानी कि पालक, कॉलीफ्लावर, कैबेज और बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी खाना, खट्टा खाना बिल्कुल बंद कर देना है,
बासी खाना नहीं खाना है, दिन में नहीं सोना है और लेट नाइट तक नहीं जागना है, उन लोगों को जिनको यूरिक एसिड बढ़ रहा है उनको हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, उनको फास्टिंग यानी कि उपवास बिल्कुल नहीं करना है और ओवर ईटिंग भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा पेट भर भर के नहीं खाना है। जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ रहा है उनको ये ध्यान रखना है कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड का जो जहां पे होता है उसको बिल्कुल अवॉइड करें, जैसे कि दूध के साथ आपको नमक वाली चीजें नहीं खानी है, दूध के साथ नॉनवेज नहीं खाना है, दूध और कर्ड कहीं पे मिक्स नहीं होना चाहिए और नॉनवेज के साथ कर्ड मिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब नॉनवेज के साथ दही मिक्स नहीं होना चाहिए, राजमा का सेवन नहीं करना है, छोले नहीं खाना है, उड़द मटर भिंडी आलू शुगर केन इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों का सेवन हमें करना चाहिए, कौन से डूज है, क्या हमें करना चाहिए। जिंजर गार्लिक यानी कि लहसुन अदरक हींग जीरा दालचीनी धनिया गेहूं जौ मूंग ज्वार मसूर मूठ छोले मेथी लौकी परवल टिंडा करेला, ये चीजें लेना यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए, गाउट के पेशेंट के लिए हितावह साबित होता है, उनको इन वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए। कौन कौन से फूड आपको लेने चाहिए मैंने आपको बताया, लो प्यूरिन डाइट आपको लेना है, लो प्रोटीन डाइट आपको लेना है, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करना है, नेचुरल अर्जेस को बिल्कुल सप्रेस नहीं करना है, गैस मल मूत्र के वेग को रोकना नहीं है, ज्यादा पानी पीना है जिसकी वजह से यूरिन ज्यादा हो और यूरिक एसिड जो है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से ज्यादा प्रमाण में बाहर निकले, क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं कि जिनको यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में से यूरिक एसिड बाहर ना निकलने की वजह से बढ़ता है, तो पानी का इंटेक बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगा। फाइबर ज्यादा हो ऐसी चीजें आपको ज्यादा खानी चाहिए जिससे मैंने आपको आगे बताया। होममेड फूड घर में बनाया हुआ खाना ज्यादा खाए, लाइट फूड खाए, कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाए। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया यूरिक एसिड के पेशेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कारण से ये रोग होता है, यूरिक एसिड के पेशेंट को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा भी जो है वो यूरिक एसिड के यानी कि गाउट के पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा में सबसे बेस्ट चिकित्सा है बस्ती, बस्ती को आयुर्वेद की अर्ध चिकित्सा यानी आधी चिकित्सा, आधे रोग जो है वो बस्ती से ठीक हो जाते हैं, बस्ती इसकी मेन चिकित्सा है। आप विरेचन करवा सकते हैं और जलोका के द्वारा या शिरावेद के द्वारा आप रक्त मोक्षण करवा सकते हैं, अभ्यंग और स्वेदन करवाना भी यानी कि बॉडी मसाज एंड स्टीम करवाने से भी यूरिक एसिड के पेशेंट यानी गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट में बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अगर आप आपके यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट हमसे करवाना चाहते हैं, आप अपने गाउट की ट्रीटमेंट हमसे करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हमारे नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमसे बात करके अपने घर पे बैठ के दवाई प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।